कहाँ तक पढ़े थे अपन लोग? पॉलीगन। पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिंग वेक्टर्स, है ना? तो ट्रायंगल ला हमने पढ़ लिया था, पॉलीगन्स लॉ को पढ़ना था, और कुछ पढ़ना था? यहाँ तक हो गया था ट्रायंगल ला तक। अब ट्रायंगल ला में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास, भाई हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स है। कौन कौन से वेक्टर्स है? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक का नाम ले लिया हमने क्या, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर बी। एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, है ना? तो इसका नाम हमने क्या लिया था, वेक्टर ए, इसका नाम लिया था वेक्टर बी। ये पड़े हैं आपके पास, आपको इसको ऐड करना है किसके रूल के अंदर, ट्रायंगल के रूल के अंदर, ठीक है? अब ट्रायंगल के रूल के अंदर कैसे ऐड करेंगे, हमने ये भी पढ़ा था कि जो ट्रायंगल रूल होता है वेक्टर के एडिशन का, वो कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे जोड़ते हैं, हेड टू हेड, टेल टू टेल, हेड टू टेल, मतलब इसका हेड इसके टेल से। तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे शिफ्ट, ध्यान से देखना, इसको उठा के कहाँ पे लेके गए, इसको उठा के हम यहाँ पे लेके चले गए। तो हमें पता है वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर को हम कहीं भी पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो, वेक्टर ए के हेड से हमने वेक्टर बी के टेल को ऐड कर दिया। अब इसका रिजल्टेंट कैसे जाएगा, रिजल्टेंट हमने सर पढ़ा है कि जो जो ऑर्डर चल रहा है उसके रिवर्स ऑर्डर हमें जाना है ना। तो हम बताओ, इस वेक्टर को ऐसे लेके आएंगे कि ऐसे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, इधर से लेके, इधर से लेके जाएंगे। तो हमारे पास जो वेक्टर आया वो इधर से इधर गया रिवर्स ऑर्डर। तो इस वेक्टर का काम, इस रिजल्टेंट का क्या नाम होगा, क्या नाम होगा इस रिजल्टेंट का, इस रिजल्टेंट का नाम होगा R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये इतना पढ़ा था, लेकिन ये सिर्फ आपके सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा था, वेक्टर ए और वेक्टर बी को, और किसी वेक्टर को ऐड कर रहा था नहीं कर रहा था। अब अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स आएंगे तो कैसे ऐड करेंगे, है ना? अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स आएंगे तो कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए क्या आ गया हमारा, कौन सा लॉ, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में सपोज दैट हमारे पास कितने वेक्टर हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ले लेते हैं ऐसे, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, तीसरा वेक्टर ये हो गया, चौथा वेक्टर ये हो गया, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। अब इसमें ये जो एप्लीकेशन है, ये जो पॉलीगन लॉ है, ये बेस है किस पे, ट्रायंगल लॉ पे, किस पे, ट्रायंगल लॉ पे। देखो ये दोनों वेक्टर्स कैसे कैसे जुड़े हैं, हेड टू टेल, इनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा, ध्यान से देखना। अगर हम इनका रिजल्टेंट खींचना चाहें तो देखो, यहाँ से इसको खींच दिए, ये देखो ट्रायंगल लॉ एक आ गया कि नहीं आ गया। अगर हमने इसको ले लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो ये एक अलग वेक्टर बन गया, इसके हेड से, इसके हेड से और इसका टेल ऐड हुआ है, तो ये एक नया वेक्टर बन गया, ये एक नया वेक्टर बन गया। अब इसका रिजल्टेंट निकलेगा, वो कैसे निकला, देखो वो भी ऐसे निकलेगा, देखो ये इसके रिजल्टेंट से फिर इसको खींच दिया, ये एक नया रिजल्टेंट मिल गया, है ना? इस वेक्टर का नाम क्या था, सपोज दैट इस वेक्टर का नाम समझ लो सी था, क्या था, सी। अब ये क्या हो गया, अब ये और ये को ऐड करके ये रिजल्टेंट बना है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, सपोज दैट आर टू हो गया, ये आर वन आर टू, इसमें क्या होगा, ये ऐड करो ए प्लस बी और सी, सी को थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये क्या हो गया सी। तो ये एक, अब फिर से एक नया वेक्टर बन गया, और फिर से उसके हेड टू टेल एक नया वेक्टर बना है, है ना? अब वहां पे एक वेक्टर फिर हम ऐड करेंगे, इसका रिजल्टेंट किसका, किसका, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी और वेक्टर डी, वेक्टर सॉरी वेक्टर डी का। एक वेक्टर अपने पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर डी है, वेक्टर डी देखो ऊपर है ना। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसके हेड से इसका टेल पहले से जुड़ा है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में जुड़ता है। तो रिजल्ट रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर अपना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो गया अपना, एक सेकेंड, ये अपना रिवर्स ऑर्डर ये हो गया, और इस रिजल्टेंट का नाम क्या हो जाएगा, इस रिजल्टेंट का नाम क्या हो जाएगा, आर थ्री, और आर थ्री की जो वैल्यू आएगी वो अपनी क्या आएगी, हाँ फिर से बोलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इतना आ गया समझ में, क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत? तो पॉलीगन लॉ आसान है ना, कोई दिक्कत है, हाँ पक्का, आगे चले। इसके बाद आता है अपना रोम्बस लॉ, कौन सा रोम्बस, क्या हाँ रोम्बस में हम, वो भी रोम्बस लॉ जो होता है वो रोम्बस लॉ नहीं, इसको बोलते, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसे होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी को पता है, तुम बताओ, हेलो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड इक्वल नहीं, आमने सामने साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और क्या होती है,
पैरेलल होती है ना, बात समझ में आई? तो पैरेललोग्राम में लॉ में ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ, है ना। नेक्स्ट क्या है अपना, पैरेललो पैरेललोग्राम लॉ। अब इसमें ये कितने वेक्टर्स को ऐड कराएगा पता है, ये कितने वेक्टर्स को ऐड करेगा? नहीं, ये ऐड करेगा कितने वेक्टर्स को? ओनली टू वेक्टर्स को। कितने वेक्टर्स को? टू वेक्टर्स को। इसमें भी हम सिर्फ ओनली टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखो रिश्ता वही रहेगा लेकिन सोच नहीं रहेगा। स्टार प्लस कौन कौन देखता है? स्टार प्लस का ऐड क्या आता है? रिश्ता वही सोच नहीं। तो रिश्ता वही है, रिजल्ट वही देगा, लेकिन आपकी सोच नया है, मेथड अलग है। मेथड का नाम क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लॉ में हम सपोज दो वेक्टर्स लेते हैं, दो। अच्छा ये बताओ, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो वेक्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में कहाँ जुड़ते हैं? टेल टू टेल। कहाँ जुड़ेंगे? टेल टू टेल। तो लिख लें यहाँ पे, जो वेक्टर ऐड होंगे वो कैसे जुड़ेंगे? टेल टू टेल, ताल से ताल मिला, है ना। तो टेल टू टेल जुड़ेंगे। अच्छा अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो कैसे जुड़ेंगे, ध्यान से देखना। सपोज दैट हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, क्या है, दो वेक्टर्स हैं अपने पास। एक वेक्टर्स ये हो गया, दूसरा वेक्टर्स ये हो गया। अभी अपन को इसको कैसे जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ना है? पैरेललोग्राम के ला अंडर के ला जोड़ना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये वेक्टर हमारा कैसे जुड़ा है? हेड टू टेल। लेकिन पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं हमें? टेल टू टेल ऐड करना है। तो चलो टेल टू टेल, टेल टू टेल ऐड करते हैं इसको। थोड़ा देर टच किए इसको, अब देखो इसको हमने पैरेलली कहाँ शिफ्ट किया, इसको हमने उठाया पैरेलली यहाँ पे टेल टू टेल शिफ्ट कर दिया, है ना। पैरेलली शिफ्ट हो गया। अच्छा अब क्या हो गया, अब हम इसको एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? पैरेललोग्राम में। अब पैरेललोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना। ये हुआ और इसके एक पैरेललोग्राम हमने बनाया। अब ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसके बीच में से इसका डायगोनल खींचेंगे। क्या खींचेंगे? डायगोनल्स। क्या खींचेंगे? डायगोनल्स। और यही जो डायगोनल्स होगा अपना, यही वेक्टर ए, इसका नाम हो गया वेक्टर ए, इसका नाम हो गया वेक्टर बी, और इस यही रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन ट्रायंगल लॉ में यही तो कर रहे थे हम। देखो ट्रायंगल लॉ भी तुमको सब समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल लॉ में हमने, अच्छा अगर मैं ये उठा के इधर शिफ्ट करूँ, ध्यान से देखना, भी सब समझ में आ जाएगा। ये मैंने उठाया, अब यही उठा के, अरे यार ये क्या कर दिया, ये हम उठा के, ये हम उठा के अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दें पैरेलल इसके, तो यही तो इसका रिजल्टेंट बन रहा है सेम। तो देखो ट्रायंगल लॉ ही लगा है इसमें, बस क्या है मेथड चेंज हो गया है थोड़ा ना, मेथड चेंज हो गया है थोड़ा। अरे यार हटेगा ही नहीं क्या ये, आ गया। तो देख रहे हो ध्यान से, तो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, उसके बाद इसका डायगोनल्स बनाया, फिर ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट आ गया। बात समझ में आई? अच्छा एक लॉ और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। चलो एक वेक्टर अपन के पास ये है, इसका नाम ले लिया वेक्टर ए, और एक वेक्टर आप लोग अपने लोगों के पास क्या है, वेक्टर बी। इसको आप पैरेललोग्राम लॉ के अंडर ऐड करना है, आपको इसका रिजल्टेंट बताना है। तो कैसे बताओगे? सर पैरेललोग्राम में क्या ऐड करते हैं सबसे पहले, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को सबसे पहले टेल टू टेल मिलाएंगे। तो टेल टू टेल इसको यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इसके यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट करते हैं इसको, ये यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, है ना, ये वेक्टर बी हो गया, अरे ये वेक्टर बी हो गया। अब सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनाते हैं, चलो पैरेललोग्राम बनाए, सबको पता है कैसे बनता है, ये और इसके पैरेलल ये साइड बनाया, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो अभी क्या खींचेंगे, इसका रिजल्टेंट खींचेंगे। क्या खींचेंगे?
रिजल्टेंट, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे इसका क्या आ गया, रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट का नाम क्या होएगा, रिजल्टेंट का नाम क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट है नहीं है, सच में इतना आसान आ गया, पक्का, हमने नहीं सोचा इतना आसानी से आ जाएगा, आ गया। चलो तो पॉलीगंस लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पॉलीगंस लॉ, पैरेललोग्राम। पॉलीगन लॉ में लिखिएगा, इट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रेंगल लॉ बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ के हेल्प से हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बताओ, पॉलीगन लॉ के हेल्प से हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, पॉलीगन लॉ के हेल्प से, अभी बताया मैंने, बहुत सारे वेक्टर्स है यार, जितने वेक्टर्स तुम्हारे पास हो, इनफाइनाइट वेक्टर्स है ना, तो लिखो, बाय द हेल्प ऑफ पॉलीगन लॉ वी ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स, द प्रोसेस इज सेम, द प्रोसेस इज सेम, जो प्रोसेस होगा वो किसकी तरह होगा, सेम एज वी अप्लाइड इन अ ट्रायंगल लॉ, जो प्रोसेस है वो किसकी तरह सेम है, ट्रायंगल लॉ की तरह सेम है। नेक्स्ट लिखना, वो डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनाए थे, हाँ ठीक है, डायग्राम बना लिए, अब लिखना पैरेललोग्राम लॉ में, इसमें लिखना कनेक्ट द वेक्टर्स टेल टू टेल, कनेक्ट वेक्टर्स टेल टू टेल, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कंप्लीट द पैरेललोग्राम complete the parallelogram from the common tail, draw a diagonals from, step 3 hai ye, step first kya tail to tail se mila, step second parallelogram draw kiya, step third from common point, yeah, from common point from the both sides we draw diagonals, common point from the common tail, yeah, common point of tail, draw diagonals, या फिर लिख लो फ्रॉम अ कॉमन टेल, लिखो फ्रॉम अ कॉमन टेल, ड्रा डायगोनल्स, दिस डायगोनल्स इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, बात समझ में आ गई, डायग्राम नहीं बनाया क्या तुम, हेलो बनाया, वहां पे क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे रफ करोगे फिर जाके घर पे, फिर चलो ठीक है करो, कहाँ तक लिखे, डायगोनल हो गया, दिस डायगोनल इज रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर्स, डायग्राम बना लो जल्दी से, डायग्राम बना लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, एनालिटिकल मेथड्स, कैसे बनेगा ध्यान से देखना, हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, उसको हम किसके थ्रू ऐड करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू ऐड करेंगे, हंस रहे हो तुम तो यार देखो वेक्टर ए अपने पास ये हो गया, वेक्टर बी को, एक वेक्टर अपने पास ये हो गया, वेक्टर बी हो गया इसका नाम, इस वेक्टर को नाम क्या लेते हैं अपन लोग, इस वेक्टर को नाम लेते हैं वेक्टर ए, इस वेक्टर को नाम लेते हैं वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड करेंगे, अब उसके बाद क्या होता है पैरेललोग्राम के थ्रू, अब किस, अब क्या बनाते हैं, अब बनाते हैं हम लोग एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनाते हैं, बनाओ एक पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ये पैरेललोग्राम हो गया, चलो ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट कहां पे जाएगा, ये दोनों पॉइंट जहां पे कहां कट करेंगे ना, ये यहीं तो जाएगा, अरे कहाँ जाएगा भाई, ये दो साइड जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही तो जाएगा, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं तो कर लो,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू रिजल्टेंट की? R इज इक्वल टू ए प्लस बी। अभी आ रहा है तुमको कि नहीं आ रहा है? हाँ चलो ठीक है। अगर हम इस वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा ले रहे हैं और रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल हम अल्फा ले रहे हैं, ठीक है, इसका बीच का एंगल थीटा ले रहे हैं, इसके बीच का एंगल अल्फा ले रहे हैं, तवा समझ में आ गई। अभी हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इस वाले साइड को थोड़ा अपन लोग बढ़ाते हैं, बढ़ा दिए, और जब इतना बढ़ा दिए तो आपको ये बताओ आप लोग कि ये जो एंगल्स होगा कौन सा, ये वाला, ये कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, कैरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ या ना, कैरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं। वो परपेंडिकुलर कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, देखिए परपेंडिकुलर। अच्छा ये वाली साइड क्या हो जाएगी अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा एप्लीकेशन लगाएंगे, क्या कि अगर हम इस वाले ट्रेंगल में अगर हम इसको एक्स कर लें, इसको वाई लेट कर लें, इसको एक्स कर लें, इसको वाई लेट कर लें, तो आप ये बताओ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई सॉरी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड ध्यान से देखना। अभी अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाए, साइन थीटा का यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो हमने एक्स लिख दिया, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये एंगल बी है तो ये भी तो बी ही होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ या ना, हाँ, तो अपॉन क्या हो गया, ये बी हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या हो गया, साइन थीटा, हाँ या ना, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप लोग समझदार हो। ये क्या हो जाएगा, ये बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने लोग, बी साइन थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकाले आप लोग, बी साइन थीटा, ये एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वी राइट हियर कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू आपके पास वाई है इस वाले ट्रेंगल में, बात रही देखो ये वाले ट्रेंगल में, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, बी इधर क्या है, कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई, मतलब वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, हाँ या ना, तो हम वाई जगह क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, ठीक है। अब आप ये बताओ ये वाला ट्रेंगल देखना, ध्यान से देखना कौन से वाले ट्रेंगल की बात कर रहे हैं हम, ये दिख रहा है कुछ, देखा ये भी तो एक, अगर देखा जाए ये अपन लोग के पास ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। अच्छा इसमें टोटल अगर बेस की बात करूं, टोटल बेस तो ये अपना ए प्लस बी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, सॉरी बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया, अरे नहीं आया, आया सच में, क्योंकि इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना है ना, तो ए इतना ए है इतना बी कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, इतने की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, ये अपना परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है अपना, रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट आर। तो अब ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां पे क्या करेंगे हम, रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट का क्या होता है कि रिजल्टेंट का स्क्वायर पाइथागोरस, क्या लिखेंगे यहां पे, बाई द पाइथागोरस, बाई द पाइथागोरस थियरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, आर है हाइपोटेनस का स्क्वायर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाँ या ना, आ गया। अच्छा तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा प्लस प्लस क्या, ये क्या हो जाएगा, अरे होल स्क्वायर बोल रहे हो ना, अच्छा ये कर दें कोई दिक्कत है, अब प्लस बी ए प्लस प्लस ए प्लस, ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी
कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये ए है ना, क्योंकि ये ए प्लस बी टोटल है आया है ना अपना, टोटल ए प्लस बी तो रखेंगे, बेस तो वही है अपना, है ना, इज इक्वल टू आर हो गया, आर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करें, देखते हैं क्या आता है, देखें। अच्छा चलो देखते हैं क्या आता है भाई, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ये तो अलग से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। नहीं आया? अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया, चलो ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये एक्चुअल में b ही है, हाँ या ना। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अलग करते हैं, तो देखो ध्यान से क्या बन जाएगा अपना, इसको पहले अलग लिखते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर हो गया और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर बच गया, इधर क्या अपना बचा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी बी स्क्वायर इससे मिल रहा है कॉमन, तो हम लोग बी स्क्वायर ले लिए कॉमन, यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर बचा है अपना ए स्क्वायर, इधर बचा है टू ए बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, वन, तो ये सिर्फ क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर यहाँ पे क्या आया ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आया टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे लेकिन क्या आ रहा है साथ में, आर स्क्वायर, क्या रहा है आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना ये चीज स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगी, अंडर रूट, अरे ये चीज स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट ही तो होगी, तो अगर हम लिखें तो r की वैल्यू जो आएगी वो मेरे भाई क्या आएगी, वो आएगी इन अंडर रूट a को पहले लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सच में सच बताना, झूठ नहीं बोल रहे हो, चलो। अब ये आपको बता रहा है रिजल्टेंट, क्या बता रहा है रिजल्टेंट, अरे यार ये क्या हो गया, इसको स्क्वायर हम क्लोज करने वाले हैं, इसको छाप लो आप लोग। अब यहां पे देखो ए क्या होएगा, यहां पे जो ए है वो एक्चुअल में बात कर रही है किसकी, वो बात कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ ए की, किसकी मैग्नीट्यूड ऑफ ए की, जो यहां पे बी कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, और ये जो आर है वो किसकी बात कर रहा है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, सब क्या है डायरेक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड की, तुम लोग को समझ में आया, सच बताना, ठीक है चलो। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट देखना चाहें तो ये क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे लेकिन हमें अभी एक एंगल अल्फा दिखा था, उसका क्या यूज हो गया अपना, जो अल्फा है वो क्या बता रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है, अल्फा क्या बता रहा है डायरेक्शन, कि एंगल ए से कितने डायरेक्शन में, सपोज दैट एंगल ए से 30 डिग्री ऊपर है, मतलब अल्फा क्या होता है डायरेक्शन, तो बता रहा है कि एंगल बी से कितना डिग्री नीचे है, ठीक है। तो ये अगर अल्फा आ गया तो थीटा माइनस अल्फा कर देंगे तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि अगर टोटल थीटा है, ध्यान से देखना, अगर ये थीटा है ये अल्फा, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल बचेगा थीटा में से अगर अल्फा माइनस करेंगे उतना ही तो बचेगा, नहीं समझ में आया, आया पहुंच पा रहे हो वहां तक,
तो अगर हम यही अल्फा निकाल लें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा निकालने की कोशिश करें, चलें। अच्छा, अगर ये अल्फा है तो आप इसमें टेन अल्फा की वैल्यू लगाओ, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस पता है। परपेंडिकुलर क्या पता है? बी प्लस साइन थीटा। और बेस क्या पता है? ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन थीटा, टेन अल्फा लगाते हैं इसमें। लगाएं सच में? चलो ठीक है, लगाते हैं। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी? टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आया था? ऊपर देखो, ये क्या आया था? बी साइन थीटा। क्या आया था? बी साइन थीटा। ये बेस इस्तेमाल में लिखो थोड़ा। बी साइन थीटा ये आया अपॉन, ये क्या आया? ए प्लस बी कॉस थीटा, यही आया था। ये क्या आ गया अपना? टेन अल्फा। टेन अल्फा, अगर यहां पे आपको अल्फा की वैल्यू निकालना पड़े तो ये क्या हो जाएगा? इधर टेन जाके टेन इनवर्स, ये क्या हो गया? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अरे नहीं आया। आ गया? पक्का? कोई दिक्कत? सच में? तो इस अल्फा की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो टेन इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा सर, ये टेन इनवर्स क्या हो गया? ये तो हम कभी पढ़े नहीं है। देखो ध्यान देखो, अभी यही समझा देते हैं। अगर कहीं पे आपको लिखा है टेन, एक सेकेंड, कहीं पे लिखा है आपके पास साइन 30 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन इनवर्स 1/2। लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे कि साइन इनवर्स साइन 1/2 किसके कितने डिग्री की वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री। अब ये बताओ साइन से साइन क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? तो वैसे ही यहां पे अल्फा कर ले तो टेन अल्फा हो जाएगा, वही टेन जाके इधर हुआ है, ऐसे ही वैल्यू आएगी आपके पास 30 डिग्री। बात समझ में आई? अरे नहीं आई। आ गई? सच में? पक्का? छाप लो इसको, नीचे कर दे, आप लोग भी छाप लो भाई। ये देखो यहां से छापो, थोड़ा छोटा कर दे, है ना? आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी पीडीएफ, आप लोग कर लो, ठीक है? पीडीएफ नोट करो जल्दी से। छापो।